बेटा इस सवाल में आपको ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दी गई है, यानी कि आपको दिया गया है x और y में रिलेशनशिप, और y बराबर आपको गिवन है 10x माइनस 5/9 x स्क्वायर। जाहिर सी बात है प्रोजेक्टाइल मोशन है तो आपको या तो रेंज निकालनी होगी या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा या मैक्सिमम हाइट निकालना होगा, यही तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसमें आपको रेंज निकालनी है, रेंज। आपने कहा कोई बात नहीं, प्रोजेक्टाइल की ये ट्रेजेक्टरी है और हमको मालूम है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल टू tan थीटा x 1-2g और ये हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को मालूम है कि ट्रेजेक्टरी जो है आपकी ये होती है y बराबर tan थीटा x माइनस 1/2g x स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन cos थीटा। उठा के कंपेयर कर लीजिए, रेंज आपको मालूम ही है, आप जानते हैं कि साहब रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर g sin 2 थीटा, am I right? ये निकालना था। sin 2 थीटा आप जानते ही हैं, 2 sin थीटा into cos थीटा। इसका मतलब क्या है, हमको u मिल जाए, g इन्होंने दे रखा है 10, ना देते तो भी 10 लेते हैं, u निकल रहा है, sin और cos निकल रहा है, काम बन जाए। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा बराबर 10 के, और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x x कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा g, am I right? इक्वेशन में g तो नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 5/9। यानी कि आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम g को 10 दिया है रख लेते हैं, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 5/9, ये हो गया 5 से 5 कट गया, काम बन गया भाई साहब आपका, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 9 आ गया। इसका मतलब आपको चाहिए था u cos थीटा, वो आपका हो गया 3, am I right? दिख रहा है। अब एक तो हम ले लेंगे, यहाँ से u ले लेंगे, cos थीटा ले लेंगे, वो 3 मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। u sin थीटा कहाँ से आएगा, am I right? आपने कहा वो भी आएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, यानी sin थीटा की जगह आप tan cos थीटा लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको ही ध्यान रखेंगे तभी सवाल निकलेगा। काम बन गया आपका बेटा, आपने कहा 2 sin थीटा की जगह, u स्क्वायर तो था ही, जी था, sin थीटा की जगह tan cos थीटा लिख सकते हैं आप, tan cos थीटा लिख सकते हैं आप, tan cos थीटा लिख सकते हैं, और साथ में cos थीटा पहले से था, काम बन गया आपका। आपने कहा 20 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, यानी आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको काम यहीं से बन जाता, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह 9 रख दीजिए, g की वैल्यू 10 रख दीजिए, काट दीजिए, 9 × 18 मीटर आपकी रेंज आ जाएगी।